2018 में बॉलीवुड हमारे सामने कई सारी नई जोड़ियां पेश करने जा रहा है, लेकिन बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स भी हैं जो बॉलीवुड में अपनी जोड़ियों की वजह से भी काफी ज्यादा फेमस हुए हैं और काफी लंबे टाइम बाद वो अपने फैंस के लिए एक बार फिर से उन्हीं जोड़ियों में आ रहे हैं जो आपके लिए साल 2018 का एक तोहफा होगी। आज अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको इन्हीं 6 सुपरहिट जोड़ियों के बारे में बताएंगे जो इस साल बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएंगी। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित 80 और 90 के दशक की कई सारी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं और उस वक्त इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था। दोनों ने आखिरी बार साल 2000 में फिल्म पुकार की थी और अब 17 साल बाद फिल्म टोटल धमाल में एक साथ दिखाई देंगे। इस फिल्म में अजय देवगन, अर्शद वारसी और रितेश देशमुख भी होंगे। अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन। अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन आखिरी बार 2000 में रिलीज हुई फिल्म हमारा दिल आपके पास है में नजर आए थे। अब इन दोनों ने 17 साल के बाद फिर से हाथ मिलाया है और डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की नई फिल्म फन्ने खां में फिर से एक साथ आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर ने अमर अकबर एंथनी, कुली, नसीब जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम किया है। 1991 में फिल्म अजूबा के बाद 26 साल बाद एक बार फिर से साथ में आ रहे हैं। दोनों उमेश शुक्ला की 102 नॉट आउट में बाप बेटे का किरदार निभाएंगे। संजय दत्त और श्रीदेवी। साल 1993 में आई फिल्म गुमराह में संजय दत्त और श्रीदेवी एक साथ नजर आए थे और अब सुनने में आ रहा है कि डायरेक्टर अभिषेक वर्मन अपनी नई फिल्म में इन दोनों को साथ लाने जा रहे हैं। सनी देओल और अनिल शर्मा। गदर जैसी सुपरहिट फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा और सनी देओल ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। अब ये दोनों एक बार फिर से साथ में नजर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अनिल शर्मा ने सनी देओल को एक स्क्रिप्ट सुनाई है जो सनी को काफी पसंद आई है। इम्तियाज अली और शाहिद कपूर। फिल्म जब वी मेट इम्तियाज अली और शाहिद कपूर दोनों के करियर के लिए एक बड़ा मुकाम हासिल करने जैसी थी। इस फिल्म ने दोनों को ही एक अलग पहचान दी थी और एक बार फिर से ये दोनों साथ में आने की सोच रहे हैं। बॉलीवुड की और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए मिर्ची बॉलीवुड।